नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मऊ से वाया आजमगढ़ होते हुए सागंज तक विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसकी जांच के लिए वाराणसी से डीआरएम वीके पंजियार शनिवार को जनपद पहुंचे। उन्होंने अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षण किया। डीआरएम ने विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की जानकारी ली तथा कई दिशा निर्देश भी दिए। कार्य पर संतोष जताया। विद्युतीकरण गोरखपुर से मऊ होते हुए आजमगढ़ आएगा और सागंज तक जाकर समाप्त हो जाएगा। उसके आगे का विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है। रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण के कार्य भी होना है। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण का 2021 में यहाँ काम पूरा हो जाएगा। डबलिंग का भी कार्य प्रगति पर है, जो 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। जनसंपर्क विभाग पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विजय कुमार पंजियार ने ठंड एवं कोहरे के मौसम से उत्पन्न कम दृश्यता के माहौल में संरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने एवं दोहरीकरण सह विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से मऊ आजमगढ़ रेलखंड एवं मऊ खुरट मोहम्मदाबाद एवं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक अपने निरीक्षण यान से सबसे पहले मऊ जक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने मऊ स्टेशन पर परिचालनिक व्यवस्थाओं, स्टेशन पर कोरोना नियमों के अनुपालन, स्वच्छता एवं यात्री सुख सुविधाओं को आदि का निरीक्षण किया। तदुपरांत मऊ आजमगढ़ रेलवे खंड पर स्थित खुराट रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुराट स्टेशन पर परिचालनिक व्यवस्थाओं, संरक्षा उपकरण, स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं की विकास योजनाओं का भी निरीक्षण किया। इसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अपने निरीक्षण यान से मऊ आजमगढ़ रेलखंड का निरीक्षण करते हुए मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पर परिचालनिक व्यवस्थाओं एवं संरक्षा उपकरणों, स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं की विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों ने मंडल रेल प्रबंधक को अपनी मांगों एवं आवश्यकताओं से अवगत कराया गया, जिस पर मंडल रेल प्रबंधक श्री पंजियार ने युक्त मांगों को पूरा करने एवं कार्ययोजनाओं में शामिल करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के अंतिम चरण में मंडल रेल प्रबंधक आजमगढ़ पहुंचे और स्टेशन पर परिचालनिक व्यवस्थाओं, संरचना से जुड़े उपकरणों यथा रिले रूम, बैटरी रूम, डिजिटल जनरेटर, कोविड-19 के विभिन्न मानकों के अनुपालनार्थ प्लेटफार्मों, प्रवेश एवं निकास मार्ग, स्टेशन पर उपलब्ध विभिन्न यात्री सुख सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सागंज फेफना दोहरीकरण सह विद्युतीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत मऊ आजमगढ़ रेलखंड पर इस कार्ययोजना की तैयारी का जायजा लिया तथा सामान्य परिचालन को जारी रखते हुए इस खंड के दोहरीकरण सह विद्युतीकरण कार्यों को किए जाने की व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया और संबंधित को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक संजीव शर्मा, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सत्येंद्र यादव, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर त्रेमक तिवारी, रेलवे विकास निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संतोष शुक्ला, RVNL के अधिकारियों समेत वाराणसी मंडल के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। यहाँ पर मऊ सागंज सेक्शन में कई काम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। उनमें से एक काम तो मऊ सागंज सेक्शन का डबलिंग है, दूसरा इसका इलेक्ट्रिफिकेशन है। इलेक्ट्रिफिकेशन तो जल्द काफ़ी एडवांस स्टेज में है और ये जल्दी ही चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिफाई हो जाएगी। डबलिंग का कार्य भी पूरे प्रगति में है। तो डबलिंग का में तो अभी समय लगेगा, वो फेज वाइज करेंगे, सब पूरा सेक्शन एक साथ नहीं हो सकता है। तो 2023-24 तक ये पूरा मऊ से लेके आजमगढ़ जो है मऊ से शाहगंज, ये 2023-24 तक कंप्लीट होगा, लेकिन अगले साल से कुछ प्रगति आनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन तो ये 2021 में पूरा हो जाएगा, ये 3-4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, अप्रैल मई तक में। तो उसी संदर्भ में हम लोग निरीक्षण करने आए थे कि कार्य की प्रगति कैसी है और उसके लिए क्या प्लानिंग हमको करने की ज़रूरत है, क्या क्या जो RVNL जैसे जो काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन एजेंसी काम कर रही है, उनको हम लोगों से क्या मदद चाहिए और हम लोगों को उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, मीटिंग की है, मेनली यही मुद्दा था। निरीक्षण क्या पाया गया, निरीक्षण कुछ कमियाँ हैं? कुछ नहीं, कमियां नहीं, मेनली काम की प्रगति अच्छी है, बट कुछ हम लोगों ने सुझाव दिए हैं कि काम और कैसे और बेहतर हो सकता है, उसके कुछ सुझाव दिए गए हैं और जल्द काम को जल्दी कैसे किया जाए और तेज़ी कैसी लाई जाए, इस बारे में सुझाव दिया गया है और कैसे बेहतर किया जाए। सर, यहाँ टिकट को लेकर काफ़ी मारामारी रहती है, बसें मिल नहीं रही हैं लोगों को और ट्रेन ना रहने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। नहीं, ये कोविड को प्रोटोकॉल्स के मद्देनज़र जो ट्रेनें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइन के हिसाब से फेज वाइज चालू की जा रही है। आप देखे होंगे कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं,
लोगों में जागरूकता भी धीरे धीरे बढ़ रही है, वो अपने सारे प्रिकॉशंस और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अब निकलना कि वो जागरूकता आ गई है लोगों में, तो उस हिसाब से फेज वाइज धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं, अब वैक्सीन का भी अच्छा खबर आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल ट्रेन सेवाएँ आने वाले साल में शायद धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। सर निशुल्क द्वार कौन कौन लोग आपके साथ रहे हैं? निशुल्क द्वार कौन कौन लोग हैं आपके साथ? और हमारे साथ आरबीएनएल के सभी उच्च अधिकारी आए थे, और मंडल के हमारे एडीआरएम साहब आए हैं, और बाकी मंडल के सारे ब्रांच ऑफिसर्स हमारे साथ उपस्थित थे। पहले तत्काल टिकट को लेके काफ़ी समस्या बनी रहती है, यहाँ पे एक दिन पहले से ही नंबर लग जाता है, लाइन में लोग खड़े रहते हैं। कब आपके पूछेंगे ऑनलाइन जो बता रहे हैं रेलवे की तत्काल टिकटों को लेकर काफ़ी यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लोग 10 बजे सुबह नंबर लगाते हैं फिर दूसरे दिन उनको टिकट देना पड़ता है। पहले मतलब आज ही नंबर लग जाता है फिर कल उनको जो है टिकट मिलता है, पूरी रात जो है इंतजार करते हैं लोग। सीएसओ के सुपर